नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश्वर देसी और फिगर्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट सीरी आ, सीरीज में नेक्स्ट जो आ, टूल लेके आया हूँ वो है सिमली सिमली जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है यानी किसी एक की उपमा दूसरे ऑब्जेक्ट को जब लगाई जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड सिमली ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपेरिजन इज़ मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स देखिए काम की बातें हैं टू ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट काइंड के हैं विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी जिनमें कम से कम एक पॉइंट सिमिलर होता है बाकी तो वो डिफरेंट है बट एक पॉइंट ऐसा होगा जो सिमिलर होगा या जिनमें रिजेंबलेंस शो होगी वाइल यूजिंग सिमली यूज ऑफ लाइक और एज और सो इज नेसेसरी कि जैसे अभी हमने मेटाफ जो आपने जो मेरे दूसरे वीडियो में देखा मेटाफर में देखा कि वहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है बट वहाँ पर लाइक एज या सो जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है वहाँ कंपैरिजन दूसरे तरीके से होता है यहाँ ये यह है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं एक की तुलना दूसरे से करें एक का कम्पेरिजन दूसरे ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वहाँ पर लाइक like या एज या सो so वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा इनमें से कोई एक होगा द यूज़ ऑफ सिम्बलीज मेक लैंग्वेज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड एन्जॉयबल सिमली और का यूज करने से जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्टिव भी बनती है और इन्जॉयबल भी होती है मीन्स uh, मज़ा आता है सिमलीज कैन बी फनी अब सिमलीज कैसी कैसी हो सकती हैं वो फनी भी हो सकती हैं सीरियस भी हो सकती हैं घटिया किस्म की यानी मीन भी हो सकती हैं और क्रिएटिव मीन्स सृजनात्मक भी हो सकती हैं अब सिमली और मेटाफर आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा बेसिकली इन चीज़ों को समझ लीजिए कि इन दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है टू क्लियरली स्टेटो शो द रिजेंबलेंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है अगर हम सिम्बली का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी रिजेंबलेंस को शो करने के लिए लाइक एज या शो वर्ड का यूज़ किया ही जाएगा फॉर एग्जाम्पल लाइव लिव लाइक ए हरमिट बट वर्क लाइक ए होर्स कि हर मिट की तरह जिये जीने की जीने मतलब लिव योर लाइफ हरमिट बट वर्क लाइक ए हॉर्स लेकिन जब काम करना हो तो घोड़े की तरह काम करना चाहिए तो यहाँ वर्क लाइक ए होर्स तो काम कैसे करना है हो लाइक ए होर्स जीना कैसे है लाइक ए हॉर्मेज सो लाइक शब्द का यूज हुआ है सेकेंड थिंग जो रिमेंबर करने के लिए है वो है द टू ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड इन सिमली मस्ट भी डिफरेंट दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए अगर एक जैसे हैं तो फिर सिमली नहीं हो सकती कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम का इंट इज़ नॉट ए सिमली बट ओनली ए सिंपल कम्पेरिजन अगर आप एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का कंपेरिजन कर रहे हैं तो वो फिर सिंपल कंपेरिजन ही होगा सिमली नहीं सिमली बट ओनली सिंपल कंपेरिजन फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स सेंग लाइक ए नाइटिंग गेट तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल्स सेंग गा रही है लड़की लेकिन किसके तरह गा रही है नाइट इंगेल तो यहाँ एक गर्ल का कंपैरिजन नाइट इंगल से हो रहा है यानी एक पर्सन का कंपैरिजन एक बर्ड से हो रहा है तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें द गर्ल सैंग लाइक हर फ्रेंड लड़की ने अपने दोस्त की तरह गीत गाया या वो उसका जो गायन था वो अपनी फ्रेंड की तरह था तो यहाँ पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से है तो हम इसको सिमिली नहीं कह सकते ये एक सिंपल कंपैरिजन होगा कुछ और एग्जांपल्स हम देखें तो इसके देख लेते हैं दे फोट लाइक कैट्स एंड डॉग्स वे कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़े तो यहाँ लाइक शब्द दिखा रहा है कि दिस इज ए सिम्बली ही इज एज बिजी एज बी वह उतना व्यस्त है जितना कि एक मधुमक्खी होती है तो एज बिजी एज बी तो यहाँ एज के साथ इस कंपेरिजन को मीट आउट किया गया है फुलफिल किया गया है सो दिस इज ए सिम्बली आई वाडर लोनली एज ए क्लाउड मैं एक बादल की तरह अकेले ही घूमता रहा भटकता रहा तो यहाँ विंग जो है वो एक क्लाउड की तरह है सो कंपेरिजन इज देयर एंड दिस इज ए सीम्लिंग सी इज एज थिन एज ए रेक थिन है एक्चुअली दिस इज थिन सी इज एज थिन एज ए रेक तो यहाँ पर एज के माध्यम से कंपेरिजन किया गया है लास्ट नाइट सन स्लेप लाइक ए लॉक पिछली रात जो है मेरा बेटा ऐसे सो है, जैसे कोई लो लट्ठा पड़ा हो लकड़ी का सो इज इज देयर बिकॉज वी लाइक वर्ड हियर लुक लाइक ए फ्लावर बट बी ए आर अंडर इच फूल की तरह नजर आना लेकिन उसके अंदर सांप होना यानी मुंह में राम बगल में छुरी तो यहां पर लाइक like शब्द से कंपैरिजन हुआ है सो दिस इज असेंबली नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस ही रोड लाइक ए लॉयन वो ऐसे दहाड़ा जैसे कि शेर तो यहाँ पर उसकी दहाड़ की कंपेरिजन लॉइन की दहाड़ से हुई है सो दिस इज असेम्बली द्माइल इज एज द डान ऑफ़ वर्नल डे तो आपकी इस्माइल का कंपेरिजन हुआ है डान ऑफ वर्नल डे से एज वर्ड का यूज करते हुए सो दिस इज असेम्बली करसीज आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रूस्ट तो यहाँ पर कर को चिकन की तरह बताया गया है और वो अभिशाप जो होते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको रूस्ट होना है पकना है योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज बट आपकी व्याख्या जो है उतनी ही स्पष्ट है जैसे कि कीचड़ होता है तो यहाँ पर भी एज शब्द का एज वर्ड का यूज करते हुए कंपेरिजन किया गया है सो दीज ऑल ओवर दैम्पल्स ऑफ सिमली और उपमा अलंकार तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा लर्निंग में सो so, इसी सीरीज़ को आगे देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बहुत सारा जो लिटरेचर से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उदाहरणों के साथ एग्जांपल्स के साथ लेकर आऊँगा थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग